के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी जो कि अप्रेंटिस में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनका मार्क्स जो भी आया है, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनका जो मार्क्स आया है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो आज के वीडियो में कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, अपलोड किस वेबसाइट पे होगा ये सारी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरआरसी 19 वाला जो स्तर पद के लिए है उसके लिए है, जो कि रेलवे में प्रस्थान प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे एक नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं रेल भर्ती बोर्ड की सूचना दिनांक 22/4/2022 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जो भी अप्रेंटिस में एग्जाम है, जो रेलवे प्रस्थान में प्रशिक्षित है, जो यह ट्रेनिंग पूरी कर चुकी है, उनके लिए जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसका महत्व दिया जाएगा, यह यहाँ पे लिखा गया है। दो में बात किया जाए तो जो भी अप्रेंटिस के एग्जाम में जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो आरआरबी के वेबसाइट पे उसको लिंक पर उस नंबर को अपलोड करना पड़ेगा, उसको लॉगिन करके अपलोड करना पड़ेगा। आपको कब तक यानी कि जब आप 12/4/19 से पहले से आप अप्रेंटिस किए हैं तभी आपका इसमें लिया जाएगा, नहीं तो अगर अभी आपने 22/21/20 में आपने किया है तो इसके नहीं लिया जाएगा, आपको अप्रेंटिस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखा गया है यदि अभ्यर्थी अपने एनसीबीटी अंकों को भरने में विफल रहता है तो उनको अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी कि अंक जो भी रखेंगे उसका कोई विफल हो जाते हैं तो कोई अंक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चौथे नंबर पर यहाँ पे लिखा गया है कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा जो भी अंक है फीड, वो वेबसाइट पर लिंक उसका खुला रहेगा 21 तारीख 7/7/2022 तक या 18/6 बजे तक उपलब्ध रहेगा, उस पर जाके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसमें पूरी बातें आरआरबी के वेबसाइट द्वारा अधिकारियों द्वारा दिया गया है। उन दलालों से सावधान रहे जो झूठे वादों करके जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं और वह क्या करते हैं आपको सारी जानकारी ले लेते हैं, उनसे सावधान रहे। यहाँ पे फाइनली आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर आप अप्रेंटिस दिए हैं, अप्रेंटिस में आपने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे जो भी आपका मार्क्स है वो एनसीबीटी की तरह अगर किए हैं तो वो मार्क्स यहाँ पे रखेंगे तो आपको ग्रुप डी के लास्ट में जो भी आपका प्रक्रिया चयन का होता है उसमें आपको यह बहुत ही जरूरी होगा। तो इस प्रकार की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।